अमरोहा जनपद के धनोरा ब्लॉक से जुड़े बीडीसी सदस्यों की अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद अब भाजपा ने जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए उन सभी सदस्यों के भौतिक सत्यापन की मांग उठाई है। दरअसल पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर अमरोहा जनपद के दर्जनों बीडीसी सदस्यों की अय्याशी करते हुए वीडियो वायरल हो रही है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद स्थित किसी होटल की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब अमरोहा भाजपा इसकी जांच कराने के लिए सामने आई है और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश त्यागी की अगुवाई में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी अमरोहा के सामने पेश होकर एक शिकायती पत्र सौंपा और वीडियो में दिख रहे सभी बीडीसी सदस्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग उठाई है। भाजपा नेता का कहना है कि यह पूरा मामला जांच के घेरे में है, जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि बीडीसी सदस्यों का अपहरण करके ले जाया गया है या कोई और प्रलोभन दिया गया है और उनकी अश्लील वीडियो सामने आने पर तो जांच होनी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में उन सभी संस्थाओं को, निकायों को मजबूत करना चाहती है जिनसे सत्ता का संचालन होता है, और इसी क्रम में संपूर्ण प्रदेश में ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और लोकदल के नापाक गठबंधन ने बजाय जनता पर विश्वास करने के धनौरा ब्लॉक में अनेक बीडीसी सदस्यों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर उठाकर ले गए हैं। और जानकारी प्राप्त हुई कि उन्हें उत्तराखंड के एक शहर में एक रमणीय स्थल पर उन्होंने रखा हुआ है, और यह समाचार आज के समाचारों में भी छपा, कई चैनलों पर भी इसकी रिपोर्टिंग हुई है। और सबसे खेदजनक, शर्मनाक बात यह है कि ले जाने के साथ साथ जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं वो बहुत अनैतिक हैं, जिनकी घोर निंदा की जाती है। और हम प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए थे कि ऐसे व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाए कि वो घर पर हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, उनके प्रमाण पत्र कहाँ हैं, उन्हें राजी से गए हैं, गैरराजी गए हैं, लालच में गए हैं, ज़बरदस्ती गए हैं, ताकि लोकतंत्र जिंदा रह सके और सही मायने में ब्लॉकों की सत्ता ब्लॉक के उचित व्यक्ति के माध्यम से संचालित की जा सके।